ओके नाउ फिफ्थ सम देखो, 3x माइनस 5y अपॉन 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू y माइनस z अपॉन x माइनस z. ओके नाउ क्वेश्चन लिखा इज इक्वल टू k, क्या किया इज इक्वल टू k लिया. नाउ k इज इक्वल टू k यहाँ पे लिया, इसको यहाँ पे लिखा k इज इक्वल टू 3x माइनस 5y 5z प्लस 3y इज इक्वल टू x प्लस 5z अपॉन y माइनस 5x इज इक्वल टू. देखो यहाँ पे क्या करना है, इस टर्म को हम लोग को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा. इससे 5 से अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई करो तो ये आगे तुम लोग सॉल्व कर सकते हो, वरना नहीं. 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, ओके बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या होता है. देखो 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पर 5z माइनस 5z और 5x माइनस 5z मिलते हैं. ओके फिर बाय थ्योरम ऑन इक्वल रेशो क्या क्या, सारे न्यूमरेटर लिखे और उसके नीचे सारे डिनोमिनेटर लिखे ब्रैकेट में. ब्रैकेट ओपन करने के बाद k इज इक्वल टू 3x माइनस 5y प्लस एक्स प्लस 5z प्लस 5y माइनस 5z 5z प्लस 3y प्लस y माइनस 5x प्लस 5x माइनस 5z. जो भी अपोजिट नंबर्स है, अपोजिट नंबर्स क्या हो गए, लाइक बट अपोजिट. जैसे माइनस 5y प्लस 5y प्लस z माइनस, ये कट हो गए. सब कट होने के बाद बचता क्या है, 4x अपॉन 4y. क्या बचेगा, 4x अपॉन 4y. अगेन 4 कैंसल, ईच रेशियो इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई. और ये हमें क्या करना है, शो करना है. ओके देन शो दैट ईच रेशियो इज एक्स अपॉन वाई. तो यहाँ पे आया ईच रेशियो एक्स अपॉन